बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पीपीएससी लेक्चरर जूलॉजी का पेपर है जो अभी 2020 दिसंबर में हुआ था। तो हम इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन था कि इज अमाइनो एसिड लॉस्ट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो अमाइनो एसिड नहीं होता, लॉस्ट हो जाता है, वो कौन सा होता है? तो ये है फिनाइल एलालेन। जब हमने इसे सर्च किया तो हमें इसका ये आंसर मिला कि अ म्यूटेशन नॉन टू अकर इन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द डिलीशन ऑफ फिनाइल एलानिन 508 इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। द अमाइनो एसिड इज इन द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन ऑफ CFTR। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था लिविंग आर स्केलेस। अब कौन सी, ये जो ऑप्शन थे जैसे लिविंग आर शार्क्स, स्केलेस, बोनी फिशेस, स्केलेस, हैग फिशेस या ऑस्ट्राकोडर्म्स। तो हैग फिशेस हैव नो फिन्स और स्केल्स, फ्लैट रिजिड प्लेट्स दैट एक्ट एज बॉडी कवरिंग, दे डू नॉट हैव जार्स बट हैव टू रेस्पी और रफ बाइटिंग प्लेट्स। तो जो इनमें से जो शार्क हैं सिर्फ वही हैं जिनके ऊपर स्केल्स नहीं होते, बोनी फिशेस के भी होते हैं, हैग फिशेस के भी होते हैं और ऑस्ट्राकोडर्म्स के भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था इन द मेम्ब्रेनस स्केलेटन डैश शीथ सराउंड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कौन सी शीथ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंड करती है? तो इसमें ऑप्शन थे पेरिटोनियम, पेरिनियरम, पेरिन्यूरल या फिर पेरिकॉन्ड्रियल। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो द पेरिन्यूरम है। द पेरिन्यूरम इज अ प्रोटेक्टिव शीथ दैट सराउंड्स द नर्व फेसिकल। दिस बंडल्स टुगेदर एक्सॉन्स टारगेटिंग द सेम एंटर एनाटॉमिकल लोकेशन। द पेरिन्यूरम इज कंपोज फ्रॉम फिब्रोब्लास्ट्स, फेसिकल्स, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर सराउंडेड बाय द पेरिन्यूरम। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये एपिन्यूरम शीथ हमें लाइट येलो कलर में नजर आ रही है जिसने कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कालमोड्यूलिन साइटोसोलिक प्रोटीन हैज डैश बाइंडिंग साइट्स फॉर कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कितनी बाइंडिंग साइट होती है इस साइटोस कालमोड्यूलिन के पास? तो इसके पास 4 होती हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इसकी डिटेल डिस्कशन ये है कि कालमोड्यूलिन कैन बाइंड अप टू 4 कैल्शियम आयंस। इट हैज 2 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स इन ईच ऑफ द लोब्स ऑफ द प्रोटीन। जो कि इसकी 2 लोब्स होती हैं प्रोटीन की और हर लोब जो है वो 2 कैल्शियम आयन के साथ जो है वो बाइंड करती है, तो टोटल हो गए 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था सम मिनरल्स आर नीडेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट एंड आर कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। अब हम ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था कि मैक्रो मीन लार्ज और माइक्रो मीन स्मॉल। तो चूंकि ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं तो इसीलिए इनको मैक्रो मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स एंड आर डेजिग्नेटेड एज मैक्रो मिनरल्स। दीज आर डिस्कस्ड इन मिनरल्स नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स। अब जो स्मॉलर अमाउंट में नीडेड होंगे वो माइक्रो या फिर ट्रेस मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स या फिर ट्रेस मिनरल्स, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे वो मैक्रो मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज एनर्जी डिपेंडेंट। अब एक्शन पोटेंशियल का कौन सा स्टेप है जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है? तो ये है डीपोलराइजेशन स्टेप। एज एन एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन एन एक्सोन देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन। सोडियम channels open at the beginning of the action potential and sodium moves into the axon causing depolarization. अब energy होगी तो depolarization होगी, otherwise नहीं होगी। Next question था vertebrate photoreceptors dash in response to stimulus। तो जो vertebrate के photoreceptor होते हैं जब stimulus होता है तो उसकी response में क्या होता है? तो इसका जो simple सा answer था वो hyperpolarization। The distal photoreceptors of scallops and the ciliary photoreceptors of vertebrates both hyperpolarize when illuminated, but they differ in significant ways physiologically. In the ciliary photoreceptors of vertebrates, hyperpolarization is due to the closing of leaky ion channels and a subsequent decrease in the inward flow of sodium. So next jo question tha, largest part of human brain. Ye PPSC mein aksar repeat hone wala question hai. To ye hai सेरिब्रम द लार्जेस्ट। हम डायग्राम में देख सकते हैं जो येलो कलर में है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो सेरिब्रम है, और सेरिबेलम उससे छोटा है और
ब्रेन स्टेम जो है वो उससे भी छोटा शो किया हुआ है. सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन द सेरिब्रम हैज टू हेमिस्फेयर्स और हाफ्स, यानी दो हिस्सों में होता है. द सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन एंड सेंसरी प्रोसेसिंग. जो नाइन्थ क्वेश्चन था वो था इंसेक्ट्स बिलोंग टू क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन था, हेक्सापोडा या फिर क्लास इंसेक्टा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा और हेक्सापोडा एनी मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज इटसेल्फ द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल फाइला. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोड जो है वो इंसेक्ट्स इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू पाइरुवेट्स. हम यहाँ से देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज अ लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन होगी तो पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और अगर नहीं होगी तो लैक्टेट के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ग्लूकोज से डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बना वो टू पाइरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू लैक्टेट मॉलिक्यूल्स. जो 11th क्वेश्चन था द यूनिवर्सल ब्लड डोनर फॉर द ए बी ओ ब्लड सिस्टम आर ब्लड ग्रुप ओ. पीपल विद टाइप ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स बिकॉज देयर डोनेटेड रेड ब्लड सेल्स हैव नो ए बी और आर एच एंटीजन एंड कैन देयर फोर बी सेफली गिवन टू पीपल ऑफ एनी ब्लड ग्रुप. हम यहाँ पे देख सकते हैं जो यूनिवर्सल रिसीवर है वो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है. वो किसी से भी ले सकता है चाहे कोई भी ग्रुप टाइप हो. और जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे सकता है, किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डैश अक्कर इन द यूकैरियोट्स बट नॉट इन प्रोकैरियोट्स. वो कौन सी चीज़ें जो यूकैरियोट्स में तो होती है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती. तो राइबोसोम्स तो दोनों में होते हैं, एटेन्यूरेशन अटेन्यूएशन भी दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए भी दोनों में होता है. तो जो स्प्लाइसिंग है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है. प्रोकैरियोट्स कैन नॉट हैव इंट्रॉन्स बिकॉज दे हैव ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड टू ट्रांसलेशन, दे डोंट हैव टाइम स्पेस फॉर दैट सिंस इंट्रॉन स्प्लाइसिंग विल स्टॉप द कपलिंग. यूकैरियोट्स इवॉल्व द न्यूक्लियस वेयर स्प्लाइसिंग कैन बी डन. 13th क्वेश्चन था डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई. अब वो कौन सी चीज़ है जो जो कि आँख की शेप को मेंटेन करती है. तो ये इसका आंसर था विट्रस ह्यूमर. आई बाल स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेंस रिसेप्टर फॉर विजन फाउंड इन इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर दैट हेल्प्स टू मेंटेन द स्फेरॉइडल शेप. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विट्रस ह्यूमर जो है वो शेप देने का रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो डैश इन एस्थीनोस्फेयर इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द एनवायरमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. तो ये है हीट कंडक्शन. जितनी ज़्यादा हीट होगी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो प्लेट्स जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगी और जलजला आएगा. हीट फ्रॉम डीप विद इन अर्थ इज थॉट टू कीप द एस्थीनोस्फीयर मेलेबल लिब्रिकेटिंग द अंडर साइड्स ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड अलाउइंग देम टू मूव. यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि हीट की वजह से ही मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आजकल जो तो इसका जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है. पोल्यूशन भी है, हंटिंग भी है, डिजीज भी है, लेकिन सबसे बड़ा काज जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है. हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन क्रिएट्स द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मैकोनकी एगर इज वाइडली यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ. तो ये होता है फॉर ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन. मैकोनकी एगर इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया. इट इज यूज इन द डिफरेंशिएशन ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डैश फिशेज हैव वेल डेवलप्ड स्टमक एंड इंटेस्टाइन देन दैट ऑफ द हर्बीवोर्स ऑफ कंपेरेबल साइज. तो ये ग्रेजिंग फिशेज के जो स्टमक और इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस से भी वेल डेवलप होती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आर्म्स आर एबसेंट इन क्लास. वो कौन सी क्लास में जो आर्म्स नहीं होती,
तो ये क्लास है इकाइनोइडियासी अर्चन, और जिसमें सी सैंड डॉलर्स आते हैं, तो ये क्लास है इकाइनोइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो ये है एस ए नोट, ये इसको नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द एस ए नोट इज टू एक्ट एज द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इट इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल दैट रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवलिंग थ्रू द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम टू काज myocardial contraction. Unlike arterioventicular cells, pacemaker cells in the sinus node do not have a resting phase. Instead, these cells have pacemaker potential in which they begin to depolarize automatically after an action potential ends. Next question tha, studies that involve a single dose or exposure of very short duration are acute. Lekin jo lambe arse ke liye hoti hai aur bahut sari doses chahiye hoti hai usko kehte hain chronic disease. Acute of abrupt onset is a reference towards disease. Acute often also connotes an illness that is of short duration, rapidly progressive and in need of urgent care. Next question tha, main substance reabsorbed in descending limb of the loop of Henle, to ye tha hai water. The descending limb of the loop of Henle is permeable to water. Water diffuses into the hyperosmolar medullary interstitium. The osmolarity can reach a maximum of 1200 at the tip of the medullary interstitium in antidiuresis. The ascending limb where loop diuretic works is impermeable to water. So next question tha, the uterine tube terminates in a hollow muscular organ in front of the rectum and behind the urinary bladder is called uterus. हम देख सकते हैं डायग्राम में जो हॉलो ऑर्गन मस्क्यूलर ऑर्गन है वो यूट्रस है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द माइलन शीथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द शिवान सेल्स, द माइलन शीथ इज ग्रेटली एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैपिंग अराउंड द नर्व एक्सोन इन अ स्पाइरल फैशन, द माइलन मेम्ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम एंड आर अ पार्ट ऑफ द शिवान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं। Next question tha, many of the animals when from different ancestors colonize similar habitats acquire similar adaptations and resemblance with one another superficially is called as convergent evolution. In cultural evolution, convergent evolution is the development of similar cultural adaptation to similar environmental conditions by different peoples with different ancestral cultures. An example of convergent evolution is the similar nature of the fight wing of insects, birds and bats. Next question tha, maggots are usually larva of, to ye hai Dipetra. A maggot is the larva of a fly order Dipetra. It is applied in particular to the larva of Brachycera flies such as house flies, cheese flies and blowflies rather than larva of the Nematocera such as mosquitoes and crane flies. To hum yahan pe dekh sakte hain ki jo larva hai ये हाउस फ्लाई का, ये है ऑर्डर डाइपेट्रा से और इसको मैगोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एम्फीबियंस विदाउट टेल बिलोंग टू ऑर्डर एनियोरा, तो हम देख सकते हैं जिम्नोफोबिया आल्सो कॉल्ड एपोडा वन ऑफ द मेजर एक्सटेंट ऑर्डर ऑफ द क्लास एम्फीबिया बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हिडन एग्जिस्टेंस सीलियंस आर अनफेमिलियर टू द ले पर्सन एंड आर नॉट यूजुअली कंसिडर्ड इन डिस्कशन अबाउट एम्फीबियंस। Cardata are also Urodela, one of the major extant order of the class Amphibia. It includes salamanders and newts. And next question tha, silverfish occasionally damage. जो सिल्वर फिश है वो कभी कभार ही नुकसान पहुंचाती है बुक बाइंडिंग को। ओकेजनली फाइंडिंग अ सिल्वर फिश और टू इज नो बिग डील, व्हाइल दे मे मेक योर स्किन क्रॉल ऑफ यू कैन ओनली काज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेज टू बुक्स और लिनन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वर अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट इन द पास्ट कॉल्ड एज पेंजिया, तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसको पेंजिया का नाम दिया था। अल्फर्ड वैगनर था जिन्होंने जिसने नाम दिया था ये, तो अल्फर्ड वैगनर प्रपोज्ड दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया मीनिंग ऑल अर्थ इन एंशिएंट ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ह्यूमन पोजेस किडनीज, तो ह्यूमंस के पास कौन सी किडनीज होती हैं, मेटानेफ्रोज।
Pronephros, most primitive of the three vertebrate kidneys, active in the adults of some primitive fishes, lampreys, hagfishes, the embryos of the more advanced fish, and the larvae of the amphibians. In more advanced vertebrates, the pronephrons is the first kidney to develop in the embryo. Mesonephrons develop by the formation of mesonephric tubules from the intermediate mesoderms. It is the principal excretory organ during early embryonic life, 4 to 8 weeks. Metanephros arise caudal to the mesonephros at 5 weeks of development. It is permanent and functional kidney in higher vertebrates. Next question, the plant species having a wide range of genetical distribution evolved into a local population known as ecotype. Ecotype kya hai? An ecotype is a population or subspecies or race that is adapted to local environmental conditions. The implication is that those individuals which were best adapted to the prevailing conditions left the most offspring. Next question, the large scale study of proteins is proteomics. Proteomics is the large scale study of proteins. The proteomes is the entire set of proteins produced or modified by an organism or system. Proteomics enables the identification of ever increasing number of proteins. Next question tha, promoters may activate the oncogenes by inhibiting the action of promoters may activate the oncogenes by inhibiting the action of suppressor gene. सुप्रेसर जीन वो है जो उनको जीन को सुप्रेस करती है, यानी कैंसर कासिंग जीन्स को अपना काम नहीं करने देती, उनको रोकती है. तो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स आर नॉर्मल जीन्स दैट स्लो डाउन सेल डिवीजन, रिपेयर डीएनए मिस्टेक्स और टेल सेल्स व्हेन टू डाई, अ प्रोसेस नोन एज एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ. व्हेन ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स डोंट वर्क प्रॉपरली, सेल्स कैन ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल विच कैन लीड टू कैंसर. Examples of tumor suppressor genes include BRCA1, BRCA2, and P53 or TP53. Germline mutations in BRCA1 and BRCA2 genes increase a woman's risk of developing hereditary breast or ovarian cancers, and a man's risk of developing hereditary prostate or breast cancers. Next question tha, which nitrogenous waste product is the most toxic and is produced only in insects that live in water? Ye hai ammonia. Although terrestrial insects have adapted to reduce water loss by excreting nitrogenous waste as uric acid, aquatic forms primarily release waste nitrogen as ammonia, which is a highly toxic product that requires more water for dilution but is energetically less expensive to produce than uric acid. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर शॉक इन एक्सेस ऑफ, तो ये है अप टू 600 वोल्ट्स. तो ऑप्शन में 600 नहीं था तो हम इसको 500 कर सकते हैं, 500 वोल्ट्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डीएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब इन द न्यूक्लियस, तो किसको ट्रांसक्राइब करती है? राइबोसोमल आरएनए को. डायग्राम में हम देख सकते हैं, in an initial stage the ribosomal RNA genes are transcribed as a single unit within the nucleus by RNA polymerase 1. Transcription of ribosomal RNA yields a long precursor molecule which still contains the ITS and ETS. Further processing is needed to generate the 18S RNA, 58S and 28S RNA molecules. Next question tha 36, वो था द डैश कोएफिशिएंट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू एलील्स इन एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो ये है इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट. द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट फॉर एन इनबॉर्न इंडिविजुअल इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिविजुअल हैज टू एलील्स आइडेंटिकल बाय डिसेंडेंट एट अ लोकस. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ह्यूमन आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर प्राइमेट्स. यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया है, और ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है ह्यूमन का, और इसके जो स्पीशी है वो होमो सेपियंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल को एंजाइम इन सिट्रिक एसिड साइकिल, तो हम देख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, 1, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर ईच एसिटाइल कोएंजाइम दैट एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन रिएक्शंस दैट आर कपल्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ NAD+ मॉलिक्यूल्स. 39 क्वेश्चन था कि degeneracy of the codons is the redundancy of the genetic code exhibited as the multiplicity of 3 base pair codon combinations that specify an amino acid.
डीजेंडेसी है क्या? ये डीजेंडेसी और रिडंडेंसी ऑफ कोडोन इज द रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड एग्जिबिटेड एज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री बेस पेयर कोडोन कॉम्बिनेशंस दैट स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड. द डीजेंडेसी ऑफ द जेनेटिक कोड इज व्हाट अकाउंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिनोनिमस म्यूटेशंस. 40 क्वेश्चन था. द मोशन कास्ट बाय अर्थक्वेक ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स. Earthquake energy is in the form of seismic waves. The seismic waves radiate out from a central point called the focus or hypocenter, like ripples moving outward from a pebble tossed into a lake. Next question tha, linking of calcium ion with calmodulin activates dash in the contraction cycle of smooth muscles. So, ye activate kar deta hai MLC. काइनेज को. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एमएलसी काइनेज इज अ सेंट्रल एंजाइम इन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन लिंकिंग द इंक्रीज इन इंट्रा सेलुलर कैल्शियम एज इट अकर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स. कैल्शियम इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन एंड पॉइंट्स टू कॉलमोड्यूलन. 42 क्वेश्चन था. इम्यूनोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू और प्रोडक्ट ड्यू टू एंटीबॉडीज रिएक्टिंग with it as antigen is called autoimmune disease. Iski definition kya hai ki an autoimmune disorder occurs when the body's immune system attacks and destroys healthy body tissues by mistake. Dash animal produce urea. To ye hai cartilaginous fishes. Jaisa ki hum dekh sakte hain ki most aquatic animals including bony fishes jo ammonia karti hain secrete aur mammals most amphibians many cartilaginous fish like sharks and some bony fishes जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं और birds, insects, many reptiles, land snails जो है वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ ACTH. तो जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स बोथ द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ adrenocorticotropic hormone in the corticotropin producing cells of the anterior pituitary gland. CRH consists of a single chain of 41 amino acids. Next question tha, the major sister phyla of arthropod is Annelida. Jaisa ki hum diagram mein dekh sakte hain, ये इसके बहुत सी सिमिलैरिटीज इसके साथ शेयर करता है एनालिडा आर्थ्रोपोडा के साथ. तो इसको इसके साथ रखा गया है इसमें क्लासिफिकेशन में. नेक्स्ट था. इन मार्सोपियल्स जेस्टेशन पीरियड वेरीज बिटवीन 8 टू 48 डेज. द मार्सोपियम वेरीज बिटवीन स्पीशीज फ्रॉम अ क्लोज्ड पाउच टू अ स्मॉल प्राइमल पाउच और नो पाउच एट ऑल. मार्सोपियल्स हैव अ शॉर्ट जेस्टेशन बिटवीन 8 एंड 42 डेज एंड आर बॉर्न इन इमैच्योर स्टेट. नेक्स्ट था. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द सोमेटिक सेल्स. तो इसका बहुत ही वाइड फंक्शंस हैं जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में कि थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द फैट मसल्स टिश्यू एंड बोन इन आवर बॉडीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मेटाबोलिज्म सच एज इंसुलिन एक्शन एंड ब्लड शुगर लेवल्स. ग्रोथ हार्मोन लेवल्स नेचुरली रिड्यूस फ्रॉम मिडिल एज ऑनवर्ड. नेक्स्ट था. फ्लीज आर द फीडर्स ऑफ. तो इसका आंसर है ब्लड. फ्लीज फीड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डॉग्स कैट्स रैबिट्स स्क्विरल्स फेरेट्स रैट्स माइस एंड बर्ड्स. फ्लीज नॉर्मली स्पेशलाइज्ड इन वन होस्ट स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज बट कैन ऑफन फीड बट नॉट रिप्रोड्यूस ऑन अदर स्पीशीज. नेक्स्ट क्वेश्चन था. गैलापागोस फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी अडेप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स पर्टिकुलरली व्हेन अ चेंज इन द एनवायरनमेंट मेक्स न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल अल्टर्स बायोटिक इंट्रैक्शंस और ओपन्स न्यू एनवायरनमेंटल निचेस. नेक्स्ट था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स. तो इसका एग्जाम्पल है हनीबी. All honeybees are social insects and live together in nests or hives. The honeybee is remarkable for the dancing movements it performs in the hive to communicate information and to its fellow bees about the location, distance, size and quality of a particular food source in the surrounding area.
नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश आर द एजेंट्स दैट काज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स यानी कि कैंसर, तो यह है कार्सिनोजेंस। अ कार्सिनोजेन इज एन एजेंट विद द कैपेसिटी टू काज कैंसर इन ह्यूमंस। कार्सिनोजेंस मे बी नेचुरल सच एज एफ्लाटॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस एंड समटाइम्स फाउंड ऑन अ स्टोर्ड ग्रेन, और मैन मेड सच एज एस्बेस्टॉस और टोबैको स्मोक। कार्सिनोजेंस वर्क बाय इंट्रैक्टिंग विद द सेल्स डीएनए एंड इंड्यूसिंग जेनेटिक म्यूटेशंस। तो यहाँ इमेज में डिफरेंट कार्सिनोजेंस के इमेज दिखाए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन एमनियोटिक एग इज प्रेजेंट इन सी टर्टल। फ्रॉग में नहीं होता, फिश में, कॉकरोच में भी नहीं होता। द एमनियोट, एमनियोट मीन मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एमनियोटिक कैविटी फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोन है यानी कि मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर फिर एमनियोटिक कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड है और एम्ब्रियो उसके अंदर है। द एमनियोट रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एम्फीबियंस बाय देयर टेरिस्ट्रिकली अडेप्टेड एग विच इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट था, द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन बिसाइड T3 and T4, तो ये कैल्सिटोनिन है। थायराइड तीन किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4 and कैल्सिटोनिन। तो डायग्राम इनके डिफरेंट फंक्शन भी दिखाए गए हैं, T3 हार्ट फंक्शन, डाइजेस्शन और ब्रेन डिवेलपमेंट एंड नर्वस सिस्टम और बोन हेल्थ करता है, T4 जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, और कैल्सिटोनिन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और किडनी क्लियरेंस रेट और बोन हेल्थ में। थायराइड मेक्स टू मेन हार्मोन, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। Adequate amounts of iodine, a chemical element that is an essential part of our diet, are needed for the thyroid to be able to make these hormones. Another hormone that is produced in thyroid gland is called calcitonin. Next question था, the inner surface of ectoderm has positive affinity for mesodermal cell. Diagram में हम देख सकते हैं कि ectoderm की inner surface जो है वो mesodermal से ज़्यादा मिली हुई है क्योंकि वो उसके करीब है then endodermal cells. The inner surface of the ectoderm has a positive affinity for mesodermal cells and a negative affinity for the endoderm, while the mesoderm has positive affinities for both ectoderm and endodermic cells. Or next tha, madreporite is present in C-star. The madreporite is an essential part of the circulatory system in echinoderms. Through this plate, which is also called a sieve plate, तो इसका दूसरा नाम सी प्लेट भी याद रखिएगा। द इकाइनोडर्म ट्रांस इन सी वाटर एंड एक्सपेल्स वाटर टू फ्यूल इट्स वेस्क्यूलर सिस्टम। व्हाट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज एरिड एरियाज, तो एरिड एरियाज वो होते हैं जो एरियाज डेफिशिएंट इन रेनफॉल। अ रीजन इन एन एरिड, अ रीजन इज कॉल्ड एरिड व्हेन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेवियर लैक ऑफ अवेलेबल वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिंडरिंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एनवायरमेंट सब्जेक्ट टू एरिड क्लाइमेट टेंड टू अ लैक वेजिटेशन एंड आर कॉल्ड जीरिक और डेजर्टिक। नेक्स्ट था, मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो मैमल्स के मोस्टली टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट मैमल्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, दे आर बॉर्न टूथलेस बिकॉज देयर इनिशियल फूड सोर्स इज देयर मदर्स मिल्क एंड दे डिवेलप बेबी और डेसीडियस टीथ एज दे वीन द परमानेंट टीथ एज दे मैच्योर। लाइक एप्स ह्यूमंस हैव 32 परमानेंट टीथ काउंटिंग विजडम टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल एक्टिव हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सिट्रायोल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैल्सिफिडायोल इज फर्दर हाइड्रोक्सीलेटेड बाय अ किडनी एंड सम ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स टू फॉर्म कैल्सिट्रायोल, आल्सो नोन एज 125-dihydroxycholecalciferol. The biologically active form of vitamin D, calcitriol, circulates as a hormone in the blood, having a major role regulating the concentration of calcium and phosphate. Next question tha, ki cortisol in fresh water increase सोडियम पोटाशियम आयंस इन द फिश गिल्स। यहाँ सेल्स की जगह आयन होना चाहिए था क्योंकि ये दो सोडियम और पोटाशियम दोनों ही फिश गिल्स में जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिसर्चर्स आर सीकिंग टू इम्प्रूव द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ फिश यूज्ड इन एक्वाकल्चर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तो यह है ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलस्क, तो हम यहाँ से देख सकते हैं फ्लैट फिश भी नहीं है,
कटल फिश है. तो कटल फिश और कटल्स आर मैरीन मोलस्क्स ऑफ द ऑर्डर सेपिडा. दे बिलोंग टू द क्लास सिफेलोपोडा विच आल्सो इंक्लूड सिक्विड ऑक्टोपसेस एंड न्यूटिलेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन फीमेल फिशेज एक्सप्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विद विट्रियोलिजेनेसिस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू ओसाइट जनरेशन. ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं. इन फिश FSH is generally important for early gonadal development and vitellogenesis. As in mammals, FSH is a heterodimer composed of an alpha subunit that is non-covalently associated with the hormone-specific beta subunit. Next question tha, an enzyme called DASH is found in body fluids, has antimicrobial activity. So, yeh hai lysozyme. Lysozyme is a hydrolytic enzyme that is present in body fluids such as serum, saliva, gastric juice, milk and airway mucus secretions. It also has antimicrobial activity. Next, to preserve nature and wildlife, there are several areas declared generally as protected areas. Protected areas or conservation areas are locations which receive protection because of their recognized natural, ecological or cultural values. There are several kinds of protected areas which vary by level of protection depending on the enabling laws of each country or the regulation of the international organizations involved. Generally speaking though, protected areas are understood to be those in which human presence or at least the exploitation of natural resources is limited or prohibited. Next question tha, which of the following is an example of head and tail bacteriophage? Toh ye hai M13. The E. coli bacteriophage M13 is an example. The head and tail bacteriophage combines the features of the other two types. Their capsid is made up of an isohedral head containing the nucleic acid and a filamentous tail which facilitate entry of the nucleic acid into the host cell. Next question tha, rats and mice have astrocycle that repeats every 4 to 6 days. Bahut hi chota sa inka astrocycle hota hai. The mouse astrocycle is very short, typically repeating every 4 to 5 days long and consists of 4 stages. Pehli stage proastrus, दूसरी एस्ट्रस, नेक्स्ट मेटास्ट्रस और लास्ट डाइएस्ट्रस. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन आर्थ्रोपोड हर्ड इज प्रेजेंट ऑन. ये हम देख सकते हैं डायग्राम में कि पिछली साइड पे जिसको डॉर्सल साइड कहते हैं, दिस ट्यूब रन्स लॉन्गिट्यूडली थ्रू द थोरैक्स एंड एब्डोमेन अलोंग द इनसाइड ऑफ द डॉर्सल बॉडी वॉल. इन मोस्ट इंसेक्ट्स इट इज फ्रेजाइल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स हिमोलिम्फ इन द एब्डोमेन एंड कंडक्ट्स इट फॉरवर्ड टू द हेड. In the abdomen, the dorsal vessel is called the heart. Next question tha, the synthesis of an RNA molecule from DNA is called transcription. RNA is synthesized from DNA by an enzyme known as RNA polymerase during a process called transcription. The new RNA sequences are complementary to their DNA template rather than being identical copies of the template. Next question tha, transcription starts at start codon. तो ये है AUG, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं. फॉर मेथियोनिन के लिए AUG और आर्जिनिन के लिए CGA और सीरीन के लिए UCA ये आप याद रख सकते हैं. और इसी तरह सिस्टीन के लिए UGC. द राइबोसोम रीड्स द मैसेंजर RNA इन 3 nucleotide codons बिगिनिंग विद द स्टार्ट कोडोन AUG विच कोड्स फॉर द अमीनो एसिड मेथियोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द वेटसन क्रिक मॉडल सजेस्ट दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक पुरानी स्ट्रैंड होती है और दूसरी नहीं बनती है. एज प्रीवियसली मेंशन्ड, वेटसन एंड क्रिक देमसेल्फ हैड स्पेसिफिक आइडियाज अबाउट DNA रेप्लिकेशन एंड दीज आइडियाज वर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल. इन पर्टिकुलर द ड्यू हाइपोथाइज्ड दैट रेप्लिकेशन अकर्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव फैशन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कंटिन्यूइंग एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट species are called symbiosis. Symbiosis is a general term for interspecific interactions in which two species live together in a long-term intimate association. Next question tha, cytokine follows dash type of cell signaling. To ye hai paracrine, jaisa ki hum diagram mein dekh sakte hain. Cytokine represent a diverse group of molecules that transmit intracellular signals. These signals may either be autocrine, whether the same cell both produce the cytokine and respond to it, or paracrine, where the cytokine is made by one cell and act on another.
Both these situations can occur simultaneously and cytokine use multiple signaling pathways. Next, sickle cell disease in human is due to missense mutation. A sickle cell disease is caused by a problem in the hemoglobin beta gene found in chromosome 11. The defect forms abnormal hemoglobin. Both your parents need to pass the abnormal hemoglobin gene on to you in order for you to develop the disease. So, we can see here. A common and well-known example of a missense mutation is sickle cell anemia, a blood disease. People with sickle cell anemia have a missense mutation at the single point in the DNA. This missense mutation calls for a different amino acid and affects the overall shape of the protein produced. Shape hi badal jati hai, jaisa ki hum diagram mein dekh sakte hain. Aur oxygen carry karne ki capacity bahut hi kam ho jati hai. Next question था, DASH is the first step in many DNA-based technologies. तो सबसे पहला जो step है वो isolation है, क्योंकि DNA को isolate करेंगे तो next steps उसमें करेंगे. तो the first step in our DNA technology is to isolate the desired DNA in its pure form, free from other macromolecules. Next question था, the sensitivity of the avian air is due to 1000 to 15,000 hertz. Avian hearing is most sensitive to sounds from about 1 to 4 kHz, although they can hear higher and lower frequencies. Next question tha, TRH follows DASH type of cell-to-cell signaling. So, this is paracrine. Next question tha, stem cells can divide through mitosis and can renew. Stem cells are different from other cells in the body in three ways. They can divide and renew themselves over a long time. They are unspecialized, so they cannot do specific functions in the body. They have the potential to become specialized cells such as muscle cells, blood cells, and brain cells. And next question tha, any adulterated element lead into ground filtration and are carried into groundwater reservoir is known as land contamination. क्योंकि वह सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि पीछे से भी बहुत सी लैंड को गंदा करते हुए पानी तक पहुंचा है, तो इसीलिए इसको वाटर पोल्यूशन नहीं बल्कि लैंड कंटामिनेशन कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज एनिमल इज अ कार्निवोर. तो हम देख सकते हैं मैमल्स जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं, कैमल हर्बीवोर है, गोट भी हर्बीवोर है, लायन है वो कार्निवोर है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन वीवो, यानी वो इन वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं बल्कि लैब में किए जाते हैं, तो इसको वीवो कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमरेज. द एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स और प्राइमर ऑफ डीएनए और आरएनए दैट इज बेस पेयर्ड विद द टेम्पलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन था, In insects, dash layer of exoskeleton is alive and secrete the upper non-living layer of the exoskeleton. तो जो epidermis है वो living है और वो जो upper layer है यानी कि cuticle उसको secrete करती है. The exoskeleton of animals within the phylum Arthropoda mainly consists of a coating called the cuticle. This is formed of both living and non-living layers. The living layer is a row of epithelial cells resting on a basement membrane. These cells secrete the non-living material of the cuticle. नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ बाइनरी नंबर 110011 हैज द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू. तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि फर्स्ट स्टेप वन में हम इन सबको लिखेंगे, स्टेप टू में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर बाय द कोरिस्पॉन्डिंग पावर ऑफ टू. सॉल्व द पावर्स और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एड अप द नंबर्स रिटन अबव. सो 99 इज द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 11000 and 11. Next question था, change the narration. The father said, if you do not work, Usman, you will fail. तो इसका right होगा, the father warned Usman that if he did not work, he will fail. Next question था, which organization did Pakistan join in 1969? तो OIC है, जो बनी भी 1969 में थी और पाकिस्तान इसको फॉरन ही ज्वाइन किया था. The Organization of Islamic Cooperation founded in 1969 has 57 members, 56 of which are also member of state of United Nations, with 49 countries being Muslim majority countries. Next question tha, which of the following companies were the first to introduce mobile phones? So Motorola, usne jo pehla phone banaya tha, wo aap dekh sakte hain, Motorola company ne is tarah ka phone image mein aap dekh sakte hain, is tarah ka phone pehli dafa launch kiya tha Motorola company ne. To Motorola was the first company to produce a handheld mobile phone.
On April 3, 1973, Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment, placing a call to Dr. Joel S. Engel of Bell Labs, his rival. Next question tha, Dash is the highest point of salt range in Potawa region. So, ye hai Sikser Hill. Sikser is the highest peak of salt range. Next question tha, which prophet was the symbol of patience? So, ye hai Hazrat Ayyub alayhi salam. इनकी स्टोरी बड़ी ही जबरदस्त है. प्रॉफिट अयूब वाज मेंशन इन द होली कुरान 4 टाइम्स. ही रिजाइडेड इन दैट इज नाउ सीरिया. प्रायर टू हिज इलनेस प्रॉफिट अयूब वाज एन एक्सट्रीमली वेल्दी मैन. ही पोजेस्ड ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड ही ओन्ड लैंड फार्म्स फील्ड एंड कैटल. ही आल्सो हैड मेनी चिल्ड्रन. स्कॉलर से दैट द इलनेस ओवरटुक प्रॉफिट अयूब व्हेन ही वाज 70 ईयर्स ओल्ड. द इलनेस वाज सो सीवियर Historian have written that not a single limb of Ayub was free from disease except his tongue and his heart, which he used for the remembrance of Allah. He lost his children and his whole family except his wife, who remained devoted to him. तो उन्होंने सबर किया, इतनी तकलीफें आई. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट शुड कम इन क्वेश्चन मार्क दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 49 डिवाइडेड बाय 49 एंड 9 डिवाइडेड बाय 21. तो इसका आंसर है 21. जब 21 से इनको डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट था, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके. तो ये है महमूद खान, जो कि 17 अगस्त 2018 से बने हैं. अगला क्वेश्चन था, नेम ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट लायर हु अनाउंस द फॉल्स प्रॉफिटहुड. तो ये है मुस्लिमा कज़्ज़ाब. नेक्स्ट था, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन लाइन पर मिनट. जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि लाइन प्रिंटर है, तो ये लाइन पर मिनट है, इसमें मेजर की जाती है इसकी स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई स्पेंड 20 आवर्स टू क्लीन माई गार्डन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इफ 4 पीपल विद द सेम एफिशिएंसी कम टू ज्वाइन मी. अगर 4 आ जाए तो टोटल हो गए 5. तो 5 से जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट टाइमूर वॉज द पार्ट ऑफ. तो ये इंडोनेशिया का पार्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइसोटोप्स ऑफ एटम्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द हिस्टोरिक करेक्टर एंड वर्ल्ड हेरिटेज बो काप इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका में है, केप्स टाउन में. हयात जावेद इज अ बायोग्राफी ऑफ. ये सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी है और इसको लिखा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने. नेक्स्ट क्वेश्चन था, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ही आस्क्ड डू आई हैव टू डू इट. तो ये इसका सही होगा, ही आस्क्ड दैट ही हैड टू डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन था, सैरे कोहसार जो है वो किसकी तसनीफ है. तो ये है रतन नाथ सरशार की. नेक्स्ट था, इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली का मरकजी किरदार अनारकली है. अनारकली का असल नाम क्या था. तो ये अनारकली का असल नाम नादरा बेगम उर्फ शरफुन्निसा था. ये एक ईरानी खानदान से ताल्लुक रखती थी. अगर